तो दोस्तों मैं हूं आपका उत्साह एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है होंडा SP 160 की मैं बात करता हूं और इस बाइक के टॉप वेरिएंट की मैं बात करता हूं। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को और देखते हैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से हमें इस बाइक को परचेस करना चाहिए और ये एक बाइक जो है ये क्यों वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाली है। तो देखते हैं क्या ये जो बाइक है एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होती है या फिर नहीं होती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले बात करिए तो इस बाइक के अंदर आपको 162.71 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक ऐसा ही आपको इसके अंदर इंजन मिल जाता है। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी आपकी 13.46 PS एट 7500 RPM और मैक्सिमम जो टॉर्क निकाल के देगी वो निकाल के देगी 14.58 न्यूटन मीटर एट 5500 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। बोर जो मिलेगा 57.3 mm का बोर मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 63 mm का स्ट्रोक आपको इसमें मिल जाएगा। चैन ड्राइव आपको इसके अंदर मिल जाएगी, ओरिंग चैन ड्राइव आपको इसके अंदर मिल जाएगी और पेट्रोल इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। स्पीड का पेट्रोल लगभग तो और भी ज़्यादा माइलेज निकाल के जो बाइक है वो आपको देगी। यहीं पर ये जो बाइक है आपको डुअल डिस्क ब्रेक में मिलेगी और एक जो इसका वेरियंट आता है वो आता है सिंगल डिस्क ब्रेक का। तो यार पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि 3000 फालतू देके आपको डुअल डिस्क का सेटअप मिल जाएगा तो फिर यार आप ना डुअल डिस्क की तरफ ही जाना क्योंकि ब्रेक में कॉम्प्रोमाइज़ आप लोग बिल्कुल भी मत करना। यहीं पे अगर मैं टायर की बात करूँ तो फ्रंट टायर आपको 80/100 का फ्रंट टायर मिलेगा और जो रियल टायर मिलेगा 130/70 का रियल टायर मिलने वाला है। इस बाइक के अगर टायर की अगर मैं बात करूँ तो कॉर्नरिंग टाइप का टायर आपको मिलेगा तो काफ़ी बढ़िया आपको मज़ा आने वाला है कॉर्नरिंग करने में इस बाइक में। वहीं पर इस बाइक के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा और अलॉय व्हील आपको इस बाइक में मिल जाएंगे। इस बाइक की डायमेंशन की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो सीट हाइट मिलेगी वो 769 mm की सीट हाइट मिलेगी और इस बाइक का जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1347 mm का व्हील बेस आपको इस बाइक में मिल जाएगा। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 2061 mm की लेंथ मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस जो मिलने वाली है वो आपको 177 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है। यानी अगर आप इस बाइक को लेते हो और आप इस बाइक से ऑफ रोड वगैरह भी करना चाहते हो, ऑफ रोड के लिए भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ऑन रोड पे तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है और हाईवे पे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इस बाइक को ऑफ रोड लेके जाओगे ना तो बहुत मज़ा आने वाला है। वहीं पे इसके अंदर आपको इंजन काउल मिल जाएगा जो कि आपको फाइबर मटेरियल में मिलने वाला है। बिल्ड क्वालिटी एवरेज है, ज़्यादा मैं बेस्ट बिल्ड क्वालिटी नहीं बोलूँगा क्योंकि वैसे भी इंजन वैली जो होती है, अगर किसी भी बाइक के अंदर इंजन वैली लगी हुई आती है, इंजन गार्ड लगा हुआ आता है, तो वो आपको हल्के ही फाइबर में मिलता है ताकि क्या है हल्का सा टच वगैरह होने पर वो पार्ट जो है वो ब्रेक ना हो। यही पे इस बाइक के अंदर आपको 12 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलेगा। अगर बात करी जाए तो 2 लीटर मैं माइनस कर लेता हूँ बिकॉज ऑफ FI, तो इसके अंदर आपको 10 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको इस बाइक में मिल जाएगा। वहीं पे इस बाइक की कर्वेट की बात करी जाए तो इस बाइक के अंदर आपको 141 kg का कर्वेट आपको इस बाइक में मिलने वाला है। LED टेल लाइट मिल जाएगी और फ्रंट से हेडलाइट जो है ना आपको SP125 की याद दिलाने वाली है। यानी इस बाइक के अंदर जो फ्रंट हेडलाइट है ना वो आपको SP का मतलब हेडलाइट हो गया, वाइजर जो हो गया ना वो आपको SP125 वाला ही मिलने वाला है। यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा सा SP160 को कर दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक ना ये जो बाइक की बॉडी वगैरह है ना, अगर मैं साइड पैनल वगैरह की भी मैं बात करूँ तो आपको ना थोड़ी सी लगेगी हाँ SP125 हम चला रहे हैं। क्योंकि अगर और भी कोई बंदा होगा, कोई इस बंदे को नहीं पता कि क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है तो SP160 नहीं है, तो कोई बंदा ये सोचेगा कि हाँ भाई एक 125 cc की मोटरसाइकिल है, 160 की नहीं है ये, ठीक है। वहीं पर अगर मैं डिस्क ब्रेक की बात करूँ तो फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको 276 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिल जाएगा इस बाइक के अंदर। और डिस्क ब्रेक की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो डिस्क ब्रेक मिलेगा वो आपको पेडल डिस्क ब्रेक आपको इस बाइक में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला है, यहाँ पे आपको ये बेनिफिट होने वाला है कि इसके अंदर ना आपको जो आपकी डिस्क प्लेट है ना वो जल्दी गर्म नहीं होगी। राउंड सर्कल वाली अगर डिस्क प्लेट होगी तो वो गर्म होती है, लेकिन यहाँ पे पेडल डिस्क ब्रेक मिल रही है तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगी है। वहीं पे अगर मैं रियल की बात करूँ तो रियल के अंदर आपको जो डिस्क ब्रेक मिलेगी वो आपको 220 mm की रियल डिस्क ब्रेक आपको इसके अंदर मिल जाएगी। और वहीं पे अगर मैं इसके अंदर वहीं पे आप इसके इलेक्ट्रिकल आइटम्स की बात करते हो, मीटर जो कंसोल है ना इसका एक नया मीटर कंसोल कंपनी ने इसके अंदर दिया है। तो मीटर कंसोल आप लोगों को क्या है ना कि थोड़ा सा अच्छा भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता, क्यों नहीं लग सकता मैं पहले ये बताता हूँ। ये इसलिए आपको अच्छा नहीं लगेगा ना क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि अगर मीटर को आप जब देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि मीटर में स्पेस ऐसा लगता है कि स्पेस काफ़ी है और बड़ा मीटर इस मोटरसाइकिल में लग सकता है, लेकिन कंपनी में ना कंपनी ने थोड़ा सा छोटा सा मीटर लगा दिया। वो आपको देखते जब आप इस बाइक को देखने जाओगे ना शोरूम में देखने जाओगे आपको खुद ही ये चीज़ फील होगी कि यार थोड़ा सा बड़ा मीटर लगता है ना कि जो इसमें एजेस दे रखे हैं मीटर को सेट करने का वहाँ पे ऐसा लगता है हल्का हल्का गैप आपको लगेगा। वैसे नहीं वो पैनल गैप नहीं लगेगा, मतलब हल्का सा लगेगा कि हाँ अगर बड़ा होता ना तो थोड़ा भरा भरा सा मामला लगता,
तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी ने कॉस्ट कटिंग वगैरह कुछ करी है इसके अंदर। क्या पता इन फ्यूचर में इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिव वगैरह ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह मिल जाएगी, तो उससे क्या होगा मीटर कंसोल जो है वो बड़ा कर देगा। तो कंपनी ने शायद ये माइंड सेटअप लगा रखा हो कि हाँ इस मीटर को हटाएंगे नया मीटर लगा देंगे और उस डिज़ाइन में लगा देंगे। तो कंपनी के आगे का सोच के चलती है भाई, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं ऐसी भी चल रही है, आगे तक का सोच के चलती है कंपनी जो है। एलईडी टेल लाइट मिल जाएगी आपको इसके अंदर। जो टेल लाइट का लुक है ना वो आपको पसंद आने वाला है, टेल लाइट का जो लुक है ना वो आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है, मतलब डिज़ाइन उसका टेल लाइट का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और वहीं पर अगर देखा जाए कि इस बाइक की अगर मैं प्राइस की अगर मैं बात कर लूँ, तो ये जो बाइक है दो वेरिएंट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो इसका जो सिंगल डिस्क का जो एक्सट्रीम प्राइस है वो मिलेगा आपको 1 लाख। हाँ, तो आपको जो इसके अंदर फ्रंट डिस्क यानी सिंगल डिस्क वाली जो मिलेगी इसके अंदर आपको एक्सट्रीम मिलेगा 1,17,500 रुपीज़ का, यानी 1,17,000 रुपये का 500 में मतलब आपको इसका एक्सट्रीम प्राइस मिलेगा। आरटीओ जो मिलेगा वो मिलेगा 9,930 रुपीज़ का, और इंश्योरेंस जो इस बाइक का होगा वो होगा 10,607 रुपीज़ का। टोटल जो ऑन रोड जाएगी वो जाएगी 1,38,037 रुपीज़ की ये जो बाइक है ये आपको जाएगी अगर आप इसका सिंगल डिस्क का वेरिएंट लेते हो। और डुअल डिस्क की अगर मैं बात करूँ तो एक्सट्रीम प्राइस जो होगा वो आपको मिलेगा 1,21,900 रुपीज़ का। आरटीओ जो जाएगा वो जाएगा आपका 10,282 रुपीज़ का, और इंश्योरेंस जो होगा वो होगा 10,068 रुपीज़ का, मतलब 10,658 रुपीज़ का इसके अंदर आपको मिलने वाला है। और अगर मैं वहीं पे अगर इसकी ऑन रोड प्राइस की अगर बात करूँ तो 1,42,840 रुपीज़ की मिलेगी। वहीं पे अगर देखा जाए तो इन दोनों ही बाइकों के अंदर ना ऑलमोस्ट आप लोगों को जो फ़र्क मिलने वाला है वो 4,000 का फ़र्क मिलने वाला है। तो देखो दोस्तों, 4,000 की ये मत कंजूसी मत करना 4,000 की, क्योंकि उसमें क्या है ना पीछे ड्रम ब्रेक मिलेगा, और इसमें क्या है ना सिंगल डिस्क में आपको फ्रंट में डिस्क मिलेगी पीछे और आपको ड्रम मिल जाएगा। लेकिन क्या है ना कि 4,000 फालतू देखे ना आपकी सेफ्टी फीचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना कि थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा यार। देखो 1,38,000 अगर आप दे रहे हो तो 4,000 और इंक्रीज़ कर लोगे ना तो आपको सेफ्टी के मामले में काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर मिल जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो बाइक का जो लुक है, तो यार लुक अगर मैं बताऊँ ना, ये जो बाइक का लुक है ना पर्सनली अगर मेरे से पूछा जाए तो मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगा नहीं। मुझे क्यों अच्छा नहीं लगा ना, क्योंकि क्या है ना ये जो मोटरसाइकिल है ना ये ना ऐसा लगता है जैसे दो बाइक्स को मिला के ना होंडा ने एक मोटरसाइकिल बना दी। देखो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, किस रीज़न की वजह से कह रहा हूँ, ये बाइक ना देखने में आपको ऐसा लगी SP125 की तरह, ठीक है, जिस तरीके से काउल्स वगैरह इसके लगा रखे तो SP125 की तरह लगेगी। लेकिन ये जो बाइक इंजन शेयर करती है ना, ये आपको हॉर्नेट वाला इंजन मिलेगा आपको इसके अंदर, 162cc का जो हॉर्नेट में इंजन आता है ना वो इंजन आपको इसके अंदर मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा लगता है ना, ये चीज़ मैंने पर्सनली फील करी है कि बॉडी जो है वो आपको उसकी दे दी है, कि जो बॉडी पार्ट है वो आपको SP के मिल गया, यानी फाइबर पार्ट जो है वो SP के मिल गया, और जो इंजन है ना वो इंजन आपको मिल गया हॉर्नेट वाला। तो कुल मिला के ना कंपनी ने मिक्स वगैरह कर करा के ना इसको SP 160 कर दिया। लेकिन मैं अगर सही बताऊँ, जब ये बाइक इसकी मेरे पास न्यूज़ आई थी ना कि होंडा SP 160 आने वाली है, तो मैं ना एक थोड़ा सा एक्साइटेड था कि यार होंडा की 125cc की काफ़ी अच्छी सेल निकलती है, तो ये जो मोटरसाइकिल है क्या आने वाली है, ऐसा कौन सा बवाल करेगी। लेकिन जब मैंने इस बाइक को देखा ना, तो मैं अगर सही बताऊँ तो मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आई। बाकी आप लोग बताना कि आप लोगों को लुक वाइज ये जो बाइक है आपको अच्छी लगती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसकी बेस्ट पॉइंट की बात करूँ वो है इसका इंजन। तो इंजन जो आपको मिलने वाला है ना, जैसे हॉर्नेट हो गई, एक्स ब्लेड जो आई थी इसकी, ठीक है, एक्स ब्लेड हो गई, या आपने होंडा यूनिकॉर्न देखी होगी, तो इन दोनों तीनों ही बाइकों के अंदर, और यूनिकॉर्न का इंजन तो आप लोगों को पता ही है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बेहतरीन इंजन है यूनिकॉर्न का इंजन। तो लोगों ने भैया मेरे पास आई है 15 साल तक वो इंजन चले हैं, और भाई आज तक इंजन के अंदर काम नहीं हुआ है, बस ये है कि टाइम टू टाइम सर्विस है लेकिन काम बिल्कुल हुआ नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग अगर इस मोटरसाइकिल को लेते हो ना, तो यहाँ पे क्या है ना, ये आपको इंजन से रिलेटेड बिल्कुल टेंशन फ्री होने वाले। लुक के मामले में अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ अगर मैं सही बताऊँ, अगर क्लियर बात, तो कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार लुक में मेरे को ना 125 वाली फील आ रही है, मुझे वाला मज़ा नहीं आ रहा। वो बात अलग है वाइड वगैरह है, या फिर अगर देखने वगैरह की अगर मैं बात करूँ, तो देखने में मेरे को थोड़ा सा ये बाइक थोड़ी सी मुझे पीछे निराश हुई कि मुझे मज़ा नहीं आया इस बाइक को देखने में। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो लॉन्ग टूर वगैरह के लिए अगर आप एक मोटरसाइकिल ले रहे हो, कंफर्टेबल मोटरसाइकिल ले रहे हो, फैमिली पर्पज के हिसाब से एक मोटरसाइकिल ले रहे हो, तो वहाँ पर ये बाइक बहुत आप लोगों के लिए खड़ी उतरने वाली है। वहाँ पर आप लोग बेफिक्र होकर इस मोटरसाइकिल को आप लोग इस बाइक को परचेज कर सकते हो। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सस्पेंशन ना थोड़े से मुझे इसके पतले से लगे, क्योंकि मैं इस बाइक के शोरूम पे देखने गया था, तो मुझे ऐसा फील आया ना कि थोड़े से पतले सस्पेंशन लगे हुए हैं, थोड़े से मोटे सस्पेंशन वगैरह होते ना इसमें तो ना और मज़ा आता। लेकिन खैर चलो, कंपनी ने जो दिया है यार उस चीज़ को अब एक्सेप्ट करना हम कस्टमर्स के ऊपर होता है कि हम लोग इस बाइक को परचेस करते हैं या फिर एक्स ब्लेड की तरह ये जाती है। लेकिन यार अगर मैं सही बताऊँ, मुझे एक्स ब्लेड बड़ी प्यारी लगती थी, एक्स ब्लेड बड़ी प्यारी लगती थी, उसका लुक बहुत ही प्यारा लुक निकाला था। लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं, अब जो भी है जैसे भी है। और हाँ एक चीज़ अगर मैं और बताऊँ ना, इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है, एग्जॉस्ट है ना,
एग्जॉस्ट कंपनी ने बहुत लंबा निकाल दिया। मैं कह रहा हूँ ना इसके अंदर हॉर्नेट वाला सेटअप निकाल दिया, यूनिकॉर्न का इसके अंदर एग्जॉस्ट लगा दिया, तो बस चलो कोई नहीं आ रहा, मैं क्या ही बोलूँ। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए ना, जैसे मैंने आपको उसका प्रोज बता दिए कि कहाँ पे आपको बेनिफिट है, माइलेज आपको तगड़ा निकाल के दे देगी भाई, आराम से आप मान के चलो 55 का माइलेज कहीं नहीं गया 55। और अगर आप रफ से रफ भी चलाते हो ना तो वहाँ भी आपको ये बाइक ना आराम से आपको 50 का माइलेज दे देगी रफ से रफ पे चलाने को। और अगर स्मूथली चलाने वाले हो तो भैया मान के चलो 55-60 इतना तो माइलेज गया। और पर्सनली मैं अभी बताऊँ तो अभी तक मेरी शॉप पे ये मोटरसाइकिल नहीं आई, तो इस वजह से मैंने इसकी माइलेज टेस्ट की वीडियो नहीं बताई है। तो जिस तरीके से मैं होंडा हॉर्नेट या मैं यूनिकॉर्न की बात करूँ तो वो इतना माइलेज निकाल दिया, तो ये भी मेरे हिसाब से इतना ही माइलेज निकाल के देगी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने में दोनों आर्क ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बाइक दोनों चाहिए, जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके।